जी अस्सलाम वालेकुम। सेशन मैंने शुरू किया था, फिर एक ज़रूरी कॉल आ गई। एक काम तलाल ने बताया कि गलत हो गया था, उसको मैं ठीक करने लग गया। छोटे मोटे एरर हो ही जाते हैं जब आप कोई काम कर रहे होते हैं। मैं बता रहा था कि आज थोड़ी थकावट थी, तो मैंने सोचा कि आज आराम से लेट के प्रोग्राम किया जाए और वीडियो के बाद बिल्कुल पॉडकास्ट के तरीके से छोटा सा मैंने कहा एक सेशन कर लिया जाए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत अच्छी होगी, मिजाज अच्छे होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। सबका नाम लेके मुबारकबाद देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्सएप देख रहा था, बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दिया कि जी बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, ये मेरी तरफ से आपको वापस विश। सबको जवाब नहीं दे सकते, अब 70 मैसेजेस का कौन जवाब देता। तो मैंने कहा कि चलें, और फिर ये है कि व्हाट्सएप ने अब नया काम कर दिया कि 5 से ज़्यादा लोगों को आप एक दफ़ा मैसेज भी नहीं कर सकते। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने फिर ये किया कि स्टेटस ही लगा दिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तैयारी कर ली होगी। रूटीन बड़ी अजीब सी हो जाती है रमज़ान में। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा था कि लोग जो हैं वो सैरी करके सोते हैं और फिर जोहर तक सोते रहते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में तकरीबन 3:30 बजे है इंतहाए सहर, और अफ्तार का वक्त रोज़ा खुलेगा तो पता लगेगा। आपके इलाका में भी ऐसे होगा। अच्छी बात यह है कि सुबह दफ्तर का काम नहीं है 2 दिन। रमज़ान में एडजस्ट होते हुए भी लग जाते हैं 8-10 दिन। ये है ओवरऑल हालात और ये हैं मामलात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुशरा लतीफ़, आयशा नूर, वाजिद रऊफ़ साहब, इरम नजम, उम्मे सजवार, रोशन रहील, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने ज्वाइन इन किया और नथिंग न्यू एट माई एंड, जस्ट अ बिजी डे, यू नो, हैंडलिंग क्यूरीज, यू नो, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क, दफ्तर का काम, फिर थोड़ा पर्सनल काम। ऐसे ही मामला चल रहे हैं। फरीबा फातिमा, वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक आपको भी। इकट्ठी मुबारकबाद दे दी है सब। आपके पास कुछ है तो शेयर कर लें। आज ज़रा ठंडा ही रखेंगे हम सेशन को और इसको मुख्तसर भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज बोलने की हिम्मत नहीं है। रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई, और कल से फिर और बेजारी हो जाएगी। ऊपर से इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। कोरियर कंपनीज जो हैं वो सारी चौक की हुई हैं, सप्लाई लाइन सारी डिस्टर्ब हुई हुई है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही वो किसी चीज़, अब मैं वो एक बड़ी अजीब सी मिसाल देने लगा था बट मैंने रुक गया थोड़ी सी, वो क्या कहना चाहिए, देते देते इसलिए रुक गया, इतनी ज़्यादा एडल्ट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जैसा होता है तो वो ऐसा ही, वो एक मिसाल मेरे जहन में आई थी, लेकिन वो सारी मिसालें देने वाली नहीं होती, लेकिन एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर वालों की एक्सपेक्टेशन, अगर आप 4 बहनें आपकी और आप एक अकेले भाई हैं, भले आप उम्र में सबसे बड़े ही क्यों ना हो, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप भले 40 साल के हो जाएँ, ये आपका फ़र्ज़ है कि पहले आपने बहनों की शादी करनी है और फिर आपकी अपनी शादी होगी। इसी तरह वो बंदा जो है वो उस उम्र का हो जाता है कि जब उसकी छोटी बहनों के बच्चों की शादी होने वाली होती है, और फिर उसकी जो है वो मिसाल है। इसी तरह जैसे किसी की शादी हो जाए तो बहुत जल्द ये एक्सपेक्टेशन होती है, वो लड़का हो या लड़की हो। फिर अगेन पंजाबी डायलेमास हैं कि अगर मतलब वो साहिब औलाद ना हो तो लोगों को फ़िक्र होने लग जाती है। तो इसी तरह हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अपनी जो हमारा एक ऑनलाइन वेंचर है उसमें आप किसी भी खातून को ये बताएं कि 7 से 10 दिन लगेंगे ऑर्डर की डिलीवरी में, तो अगले दिन ही वो पूछती है मेरे ऑर्डर का क्या बना, फिर उससे अगले दिन पूछती है ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा। उस पर अगर आप कोई अजीब सा जवाब दें तो वो आगे से ये कहती हैं कि आप तो रूड हो रहे हैं, विदाउट इवन नोइंग के पर्दे के इस तरफ क्या चल रहा है।
सो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आज का टॉपिक है, बेसिकली 2-3 मिनट ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं हर बंदे की। सो घर वालों की एक्सपेक्टेशन कमाऊ पूत से बहुत ज़्यादा होती हैं, सासों की एक्सपेक्टेशन बहुओं से बहुत ज़्यादा होती हैं, बेटियों से कम होती हैं। ससुर जो होते हैं उनकी दामादों से एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो मैजिक कर जाए, तो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हो तो वो बहुत अमीर आदमी हो तो वो अपने दामाद में उससे ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी ढूंढ रहा होता है, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी उम्र का और 30 साल का फ़र्क है। सो 30 साल पहले वो साहब कहाँ थे वो नहीं देखते, बल्कि वो कंपैरिजन अपने करंट स्टेटस का शुरू कर देते। तो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है मैनेज करना। सो मैं इसीलिए बहुत ब्लंट रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, मुझे लोग काफ़ी इस पर बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं गलत एक्सपेक्टेशन जो है ना वो सेट नहीं करता, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है कि एक एक्सपेक्टेशन सेट करके उस पर आप पूरा ना उतरें। सो बंदे को क्लैरिटी होनी चाहिए हर काम में। सो पाकिस्तानी माशरा और फिर पंजाबी डायलेमाज में एक डायलेमा जो है वो तवक्कुआत भी है, ठीक है। सो आप किसी पंजाबी फैमिली में बहुत अरसे बाद किसी के घर जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप खाली हाथ ना जाएं। तो अक्सर मेरी अपनी वालदा से इस बात पे बहस हुई कि ये किस किताब में लिखा है कि आप खाली हाथ नहीं जा सकते, करीब बुरा लगता है। मैं क्या कितने लिखा है कि बुरा लगता है, ठीक है, नहीं नहीं चंगा नहीं लगता। नहीं, मैं क्या अम्मी जी लगता है कोई मसला नहीं है, तो मैं क्या इस तरह करते हैं खाली हाथ नहीं जाना, बाहरों 2 इट्टा चुक के ले जाते हैं, उन्होंने इट्टा फड़ा देंगे कि जी माँ जी कह रहे सन। फिर एक दफ़ा मैं किधर जाना सी, होया है कि बारिश बहुत पै रही सी, तो मैं रस्ते से कुछ नहीं लभ्या, तो दुकान भी कोई नहीं आई, जाना भी G13 सी मैं, तो उत्थे मसला यह हो गया कि मैं खाली हाथ चला गया। उन्होंने मकान नवा बनाया सी, मैं उन्होंने कहा कि जी मैं माजरत चाहता कि मैं खाली हाथ आ गया, मैं कुछ लभदा रहा, मैं लभ्या नहीं। तो यकीन करो उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान सन मेज़बान, उन्होंने सिर्फ सुक्का चाह का कप मैंने पियाया, मैं 25-30 किलोमीटर दूर सी, तो उस तो बाद मैं कभी दोबारा गया भी नहीं। तो उन्होंने कहा जैसा वो बंदा आया वैसे ही, हालांकि मैंने उनसे माजरत की कि यार इतनी बारिश थी और मुझे इधर ना दुकान कोई नहीं मिली, मैंने सोचा था मैं आपके आऊँगा और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस पर। उसमें वो खामोश रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं आप खाली हाथ आ गए, उन्होंने ये कहा, मुंह भी बनाई रखा और चाय का कप जो है उसके साथ बिस्किट भी नहीं थे कि बंदा चाय में डबो के खा लेता। तो बहरहाल इस तरह के डायलेमास हैं हमारे माशरे में, और इन डायलेमास को हमने एड्रेस करते रहना। रुकैया रज़ा है हमारे साथ, और उसके बाद मिसबा है हमारे साथ, मेरे भांजे का नाम ले लें वो रोज़ रिकॉर्ड, इबादुल्ला जी, मोहम्मद इबादुल्ला साहब खुश हैं, बिलाल सईद हैं, दे दें मिसाल एडिट करके। मैं तो देखें कुछ भी एडिट नहीं करना चाहता, फिर मैं हालांकि मुझे अपने परसेप्शन इमेज की इतनी परवाह नहीं है, फिर मैं ख्याल करता हूँ, क्योंकि देखें मेरी बहुत सारी बहनें सुन रही हैं, मेरी छोटी बहन है उसके सामने अगर वो बैठी हो तो मैं बहुत सारी मिसालें ना दूँ तो मैं लिहाज करता हूँ, तो इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ये जो लोग प्रैंक्स करते हैं या सो कॉल्ड व्लॉगर्स बने हुए हैं जो एडल्ट गुफ्तगू करते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है कि यार कल इनकी बहनें बेटियां देखेंगे ये किस तरह के लफ्ज़ हैं। वो एक साहब हैं, वो बहुत मशहूर हैं आजकल, वो इसलिए मशहूर हैं कि वो गंदी बातें करते हैं। अगर आपने पॉपुलर होना है इखलाकियात का जनाजा निकाल के, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, बेटियों से भी ऐसी होती हैं आजकल, तो भाई घर में सास बने होते हैं, मिर्च ज़्यादा है, ज़ाया कर दिया सारा, टेस्ट नहीं है, ये क्या बना दिया वगैरह वगैरह। अच्छा चलें ठीक है, हमारा है हमारे साथ इरम, हंस रही है मेरी किसी बात पे, मुझे पता नहीं लग रहा किस बात पे हंस रही है, मेरी सारी बातों पे वो हंसती रहती हैं, हालांकि मैं बिल्कुल सादी खरी खरी टका के बातें करता हूँ। मोहम्मद उमर साहब आपको भी रमज़ान की मुबारक हो। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये बड़ा बंदे का ना बर्बाद कर देती है जी। बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी सेट हो जाएगा, ब्याह करिए, इन किसी काम लाइए, भाई ब्याह भी हो जाएगा, ब्याह करना जड़ा है कड़ा कोई काम है, मतलब एक्सपेक्टेशंस हैव नथिंग डू विद सिटीज कंट्रीज एक्सेट सेम एवरी विद अ लिटिल डिफरेंस ऑफ डायमेंशंस। वेल आई टेंड टू डिसएग्री विद यू काशिफ भाई, हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, बाहर इतनी नहीं होती। मैं भी थोड़ा बहुत घूमा फिरा हूँ और
यहाँ पे अजीब किस्म की एक्सपेक्टेशन होती, उफ कुछ ना पूछो। असरा हुसैन, रमज़ान मुबारक, अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें हम पर बनाए रखे, आमीन। शुक्रिया जी, बड़े बड़ी मेहरबानी मैडम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, ठीक होंगी। अच्छा, मुझे खैरियत कहना ना बड़ा अजीब सा लगता है, मैं जान के खैरियत कहता हूँ, क्योंकि खैरियत का लफ्ज़ जो है ना, वो कहते कहते ऐसा लगता है आपने आधा सेकंड ज़ाया कर दी, खैरियत। तो बेहतर है ज़रा आप उसको देसी रखें काम, खैरियत कह दें। सो ये बेसिकली हालात वाक़ियात हैं, कुछ ख़ास नया नहीं है। वैसे ही मैंने कहा पॉडकास्ट मोड ऑन करें, मुझे किसी ने कहा जी आप पॉडकास्ट बनाएं, मैं कहा जी पॉडकास्ट में क्या होता है, उसने कहा जी वो पॉडकास्ट होती है फ़लाना बंदा करता है फ़लाना बंदा करता है। मैं चला गया गूगल पे, मैंने देखा पॉडकास्ट, मैंने कहा यार ये तो वही बातें हैं, मैं सिर्फ एक माइक जाली आगे लगा दूँ, कैमरे से रिकॉर्ड कर लूँ, और वो पॉडकास्ट में शक्ल तो नज़र नहीं आती, क्योंकि जितनी मुझे पॉडकास्ट की समझ है उसमें शक्ल नहीं होती, लेकिन जो पॉडकास्ट आजकल चल रही है वो जो है उसमें शक्लें नज़र आती हैं। सो मेरा इस पर भी इख्तलाफ था, फिर मैंने एक दो पॉडकास्ट वालों को देखा, वो यही बकवास कर रहे होते हैं, फ़लाना क्या फ़लाना क्या फ़लाना क्या। तो वो जैसे जैसे आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते जाएं, वैसे वैसे आपके फॉलोअर्स और वैसे वैसे आपको सुनने वाले जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप वीडियो के अंदर कुछ भी डाल के उसकी इमेज पर आप ये लिखते हैं कि फ़लाने अदाकार का खुफिया राज निकल रहा है, उसका थंबनेल वो बनाओ, तो लोग बग़ैर सोचे समझे जो है ना उसके अंदर घुस के उस वीडियो के वैसे ही 2-4-5 लाख व्यू आ जाएंगे उस वीडियो के, और जब आप उसको खोलेंगे तो पता लगेगा उस अदाकार का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि कपास की सुंडी मारने के तरीके की अंदर वीडियो होती है। सो इस तरह के मामलात हैं, अजीब काम है, अजीब लोग हैं, बहरहाल ऐसे ही है। जो रमज़ान में हम इस दफ़ा मिस करने वाले हैं, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारी रात कुछ लोग जो हैं वो करतारपुर जाके बैठ के निहारियाँ खाते रहते थे, कुछ सारा दिन सोए पड़े रहते थे, पता लगता था रमज़ान आया, अल्लाह ने कहा अपने मैदे को ब्रेक दो, अपनी मतलब बॉडी को रेस्ट दो, पता लगे जी रमज़ान ख़त्म हुआ, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 300 हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो 600 हुए हैं, LDL HDL डिस्टर्ब हुआ है, ये काम अच्छा हो गया कि ये गैदरिंग पर पाबंदी होगी। बहरहाल दूसरी बात ये है कि एक और जो अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा सड़कों पे रश नहीं होगा, कारोबार ज़रूर मुतासिर हुआ है लेकिन बिला वजह का शोर शराबा गोल गपाड़ा वो वैसे कम होगा। बुशरा लतीफ़ चौधरी, ऐसा क्यों है बिलो द बेल्ट वाले जल्दी फेमस होते हैं? इसलिए कि लोगों गंदी ज़हनियत भी होती है लोगों की, लोग जल्दी बातें जो हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम लोग सुनना चाहते हैं, एक तबका है जो सुनना चाहता है इस तरह की गुफ्तगू, उसका ज़्यादा है आप ये कह लें, इसलिए वो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। सो पॉपुलर होना तो सब कुछ नहीं होता ना, मतलब एनीवे ये एक अलग डिस्कशन है। तो ये मामलात हैं। सो लेट्स हैव अ सिंपल रमज़ान, लेट्स डोनेट ऑल दैट मनी विच यूज टू स्पेंड ऑन लेविश अफ्तारी एंड सहरी आउटसाइड योर हाउस, नो बफेस, नो सेल्फीज एट मुनाल इन इस्लामाबाद, यू नो अहमद बिलाल, यू नो फीलिंग ग्रेट विद 7 अदर्स एट मुनाल, उसके बाद तस्वीरें, उसके बाद नीचे कमेंट्स, क्या खाया क्या नहीं खाया, इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट दिस टाइम। सो गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द लॉकडाउन टिल 9th of May, सो डू नॉट सी द मार्केट्स एंड द other normal things happening before at least 31st of May. Now they are going to extend these lockdowns for another good couple of months. Upar se World Health Organization ne ek naya churan bhej diya, unhone kaha ji July mein Pakistan mein 2 lakh cases honge. So main to TV dekh nahi raha, mujhe to pata nahi kitne cases hain, Allah taala sabko hifz o aman mein rakhe. But try to be simple. Agar pichle saal 10-20,000 rupaye aapne bar roti खुद खाने पे लगा दिया था और अपने हल्का अहबाब को खुश करने पे लगा दिया था, दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप इतने का राशन लेके, या पैसे ही दे दें यार, राशन क्या हर बंदा राशन राशन के चक्कर में रश लग जाता है, उनको दे दें उनको कि यार ये लो पकड़ो खाओ पियो, लाइफ बॉय ख़रीदना है, इससे डिटोल ख़रीदनी है, चावल ख़रीदने हैं, वॉशिंग पाउडर ख़रीदना है, मैक्स ख़रीदना है, हार्पिक ख़रीदना है, जो ख़रीदना है ख़रीद लो। सो दैट इज़ आई थिंक अ बेटर आइडिया। सो यहाँ पे एक जहाँ हमारा ऑफिस है उसके नीचे एक जनरल स्टोर है, शाम को ऐसे लोग पागल हुए हुए थे कि
आज अगर सामान ना ख़रीदा तो सुबह खुदा ना खास्ता जो है वो क़यामत आ जाएगी। यानी कि पागल नहीं होते, बिल्कुल मत मारी हुई थी उनकी। सो मैंने उनको हंस रहा था, मैं आपसे भाई को कहा, मैं कहा यार इन्होंने की हो गया कि अगर मतलब घर में इतना सामान तो होगा ना, एक दो रोज़े जो हैं वो बग़ैर ग्रॉसरी किए भी तो गुजारे जा सकते। तो वो पंजाबी दी एक मिसाल होती है लोगों नूं, चले उर्दू में दे देते हैं कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि सामान इकट्ठा करने से घर का या खुराक इकट्ठी करने से उनको कोई राहत मिलती है। ऐसा नहीं होता है। खाना आपने वही है जितना मैदे में गुंजाइश है। मैदे की खूबसूरती ये होती है कि मैदे में आप जितना डालते जाएँ वो खुलता जाता है और फिर उसमें जगह बनती जाती है। सो जितना आप कम खाते हैं उतना ही आप बेहतर रहते हैं। सो ये भी मैंने भी बहुत सालों बाद मुझे ये गुर पता लगा। पहले मैं भी खैर बहुत खाता था। सो आफ्टर अ गुड टाइम ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज कि नहीं यार कम भी खाया जा सकता है। तो वो अलग बात है, हम पानी पिए वो भी हमें लग जाता है। ये कौम कोरोना से नहीं जहालत से मरेगी। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि जहालत तो हम सब में ही कूट कूट के भरी हुई है। हर बंदा अपने लेवल पे कोई ना कोई जो है वो ऐसा काम करता है जो जहालत के ज़ुमरे में आता है। सो हो सकता है मुझसे भी कुछ ऐसी गलतियां सरजद होती हों जो जहालत के ज़ुमरे में आती हों। तो इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ख़ुद भी इस मजमे का हिस्सा हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी फॉर द टाइम बीइंग। हैव अ वेरी गुड रमज़ान। फिर हम देखते हैं कि हमने फर्दर इसको 12 बजे वाले सेशन को कैसे करना है, डेली करना है नहीं करना। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि मैं सहरी के इंतज़ार में सो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत शदीद थका हुआ। सो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा इंजॉय करें रमज़ान को, और देन वी विल कीप शेयरिंग द अपडेट्स अबाउट रमज़ान। ख़ास तौर पे को ऑब्जर्वेशन होंगी। बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन जो रवैये मैं आजकल मुख्तलिफ तरीक़ों से जज कर रहा हूँ उन रवैयों में डेफिनेटली ये शामिल है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा। बिलाल भाई ये लॉकडाउन तो नहीं है, गवर्नमेंट इज़ जस्ट प्लेइंग। यार देखो मेरी बात सुनो ना, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट की। बेचारों के पास क्या ऑप्शन है? आप पूरा कर्फ्यू लगा देंगे, लोग सड़कों से भूख से ज़रिए निकल आएंगे। आप कर्फ्यू नहीं लगाएंगे तो लोग जो है वो कोरोना फैलेगा। अजीब सी सिचुएशन है ना यार। हम कौन सा यूरोप है या हमारी कौन सी करेंसी डॉलर है कि नहीं बहुत भी बुरे हालात हुए तो हम छाप के गुजारा कर लेंगे। सो आफ्टर ऑल लिमिटेशन है यार, गरीब मुल्क है। वो अलग बात है कि खान साहब ने लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखी थी कि वो मुराद सईद साहब ने कहा था ना कि वो आएंगे 2 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेंगे, 2 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेंगे। मुझ जैसा बंदा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कौमे यूथ के लोग ये समझे कि शायद 10-20 हज़ार डॉलर खान साहब आके उनके मुंह पे भी मारेंगे, 25-30 हज़ार उनके मुंह पे भी मारेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ऑल्सो वी हैव डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इन डबल डिजिट्स, विच मीन कि 11-12% डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन है। सो अनडिक्लेयर्ड देखें आप कितनी होगी। सो ये मामलात हैं। F7 में मॉस में कोई डिस्टेंस भी नहीं था। देखिए जी, मौलवी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा सतून है जो इनको आप नहीं समझा सकते। दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो इनको समझे, पूरी कौम को नहीं समझा सकते। कौम कैसा है ना, असरा हुसैन कह रही है इंडिविजुअली समझें तो सही घरों में बैठने के लिए। हाँ घर में बैठना, देखें आप भी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मसरूफियत में रखा हुआ है। कोई दफ्तर का काम कर लेते हैं, कुछ पर्सनल काम कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ही मसरूफियत, और तो कोई मसरूफियत नहीं। नहीं समझा सकते हर बंदा जो है ना। वो देखे ना, वो पैन दी सीरी आया था, वो पैन दी सीरी आके फैज़ाबाद धरने में बैठा रहा। उस पैन दी सीरी के बंदों को बाद में पैसे दे के रुख्सत किया। ये एक अलहदा कॉन्ट्रोवर्सी है जिस पर जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के बाद उनके खिलाफ रेफरेंस गया। सो थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरी एवरी इंसिडेंट हैपनिंग अराउंड। सो इस तरह के मामलात हैं। फ़हीम भट्टी, आपने सतून कहा मुझे फतूर लगा। देखें जी, आपको भले फतूर लगता हो, जो हमारे मुल्क के जो ये रिलीजियस ग्रुप्स हैं ये अपने आप को सतून ही समझते हैं। इनको ये फील होता है कि कल कला कोई मिसाइल या कोई चीज़ आएगी तो ये बंदूकें लेके जो है ना या तो हवा में उड़ने लग जाएंगे या सरहद पर जाके लड़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। सो
जो वॉरफेयर है ना वो चेंज हो गया है। सो देखें मेरी आपको आपको एक बात बताऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि जहालत जो होती है वो उससे आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। सो हमारा मसला ये है कि हम जहालत से लड़े। आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे अमेरिका के साथ, हम ये कर देंगे फलानी जगह, ये कर देंगे फलानी जगह, ये कर देंगे, उसके बाद आप एटीएम मशीनों पर से सैनिटाइज़र उठा के जेब में डाल लेते हैं, मस्जिद से जूतियाँ उठा लेते हैं। यार कोई कमाल कमाल फनी किस्म के लोग हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। हम लोग फील करते हैं कि ये बहुत आसान है, बट इट्स नॉट एज सिंपल। सो जो मुल्ला हजरात है ना हमारे मुल्क के, वो जो है वो उनका अपना एक है, नहीं समझा सकते। देखिए मैं आपको सिर्फ बताऊँ, सिर्फ ब्लेम आप ना उनको ना करें। या तो आप प्रॉपर शट डाउन कर दें और आपके जी 15 दिन जो बाहर निकला, ये 2 दिन ग्रॉसरी करके बैठ जाओ, 15 दिन जो बाहर निकला ना उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। एक दफ़ा 15 दिन का आप प्रॉपर 3 हफ्ते तक आइसोलेशन होनी चाहिए जैसे यूरोप में हुई है। लेकिन वो खुशहाल माशरे हैं, वो ये सब चीज़ें अफोर्ड करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी मर जाएगा। सो मुबशर लुकमान ऐसे मज़ा नहीं आता, इरम नजम वो फिर ज़रा साथ वीडियो टच हो तो फिर मज़ा आता है। तो अब गवर्नमेंट भी बेचारी फंसी हुई है, ऊपर से मौलवी हजरात कह रहे हैं जी हमने तो तरावी पढ़नी पढ़नी है। सऊदी अरब में तरावी बंद हो गई लेकिन उन्होंने पढ़नी है। उस दिन खूबसूरत बात एक मैं किसी पाकिस्तानी आलिम की देख रहा था, उन्होंने कहा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जो है वो उन्होंने बताया कितनी बार पढ़ी है, पर जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि अब वो पता नहीं किस मकतबा फ़िक्र से थे, अगर वो अहले हदीस थे तो मैंने उनकी बात कोट कर दी तो बाकी बरेलवी और देवबंदी जो हैं जिन्होंने फॉलो करते हैं उन्होंने मेरे खिलाफ़ हो जाना, अगर वो बरेलवी देवबंदी थे तो अहले हदीसों ने कहना है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। उन्होंने यहाँ तक कहा उन साहब ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी घर में पढ़ी, ठीक है जी, कहाँ उन्होंने कहा कि मस्जिद जाके पढ़ो। सो एक नई डिबेट उन्होंने छेड़ दी थी, उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो पढ़ने वाले थे, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा ये पता नहीं कौन सा मौलवी है, किसी ने क्या कहा। फिर वो एक साहब हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा ये कोरोना कहाँ से निकला है। उन्होंने कहा कि भाई मलिर का नाम कराची में मलिर इसलिए रखा कि यहाँ आजम को मच्छर काटा था और उसको मलेरिया हो गया। यार आप देखें जहालत का आलम देखें। फिर उन्होंने कहा कि जी ये हो गया वो हो गया, मतलब आप देखें जो बंदा मेंबर पे बैठता है ना और जिसको माइक्रोफोन मिलता है, जिसको जो समझ में आता है, जो चूरन वो बेच सकता है बेच लेता है। लेकिन इसी माशरे में मुस्तनद आलिम भी हैं जो किसी सोशल मीडिया, किसी टीवी, किसी रेडियो पे नहीं आते, वो कहीं कोने में बैठे होंगे, लोगों को गाइड कर रहे होंगे, उनको किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी का शौक़ नहीं होगा। कोई बंदा जो है वो ऐसा नहीं होगा जो उनसे मुस्तफ़ीद ना हो सके, लेकिन वो सामने नहीं आते। सो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा। सो पहली बात तो ये है कि इट्स द कम्प्लेक्सिटी इज़ बिकॉज ऑफ द एथनीसिटी, कि यार पश्तो बोलता है, पंजाबी बोलता है, ये बलोची बोलता है, ये सराइकी बोलता है, पहले तो एथनीसिटी में आके फंसते हैं। उसके बाद जो ब्रांचेस बन गई हैं, सो उन्होंने कहा कि जी अहले सुन्नत, भाई अहले सुन्नत वाल जमात में आप क्या हैं भाई, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या हैं, एक ये फिर ब्रांचेस बन गई। उसके नीचे फिर और जो मसले मसाइल हैं, सो एक्सप्लोरेशन जो है इंडिविजुअल लेवल पे वो मिसिंग है। सो लोग जो बात सुनते हैं किसी भी एक मोतबर आदमी से, वो समझते हैं कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है, बाद में पता लगता है कि जब उसकी तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि ये बात ठीक नहीं थी। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं यहाँ पे। इस कॉम्प्लिकेशंस में आप एड्रेस नहीं कर सकते कि क्या करना है। सो कॉम्प्लिकेशन जो है ना ये बहुत हर लेवल पे है, वो सोशल सिस्टम है उसमें कॉम्प्लिकेशन है। सो आप इस माशरे में अलहदा नहीं होकर रह सकते, आप अलहदा हो जाए आपके रिश्तेदार आपको ताने मार मार जो है वो कहते हैं, ओ ये देखो ना माँ प्यो ने छड़ दिता उनने, और देखो माँ प्यो ने बुढ़े अले कल्ले छड़ गया और बुढ़ी के थले लग गया। सो एक ये प्रॉब्लम है। सो सोशल सिस्टम सारा डिस्टर्ब है क्योंकि वो इस्लाम पर बेस्ड ही नहीं करता, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम जो कि हमें विरासत में मिली थी पार्टीशन के वक्त, सो इकट्ठे रहने पे रहता है। उसके बाद फिर जब आप मस्जिद जाते हैं सो इसी पे बहस शुरू हो जाती है कि भाई जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसके ऊपर क्या पढ़ना है।
अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है या ऊंची आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। सो यहाँ बरेली देवबंदी का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद एक और मसला है, एक जब अकामत होने लगती है मस्जिद में, तो एक मस्जिद में मैं गया, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर हुई, तो मौलवी साहब मैं उठ गया क्योंकि मुझे आदत थी उठने की। तो वहाँ पे मौलवी साहब ने कहा कि जी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ आके आपने अपनी सफ़े बनानी है। उन्होंने कोई हवाला दिया, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी बच्चों को जो है वो साइड पे कर दें या पीछे कर दें। सो आप देखें इस कम्प्लेक्सिटी में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ पे, चूँकि कौम में जहालत है समेत मेरे, तहकीक खुद नहीं की, पढ़ा खुद नहीं, ठीक है जी, और समझ नहीं आई। वालदैन को देख के जो उनका फ़िका था वो हमने अडॉप्ट कर लिया। मेरे पास बड़ी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ, मैंने अपने वालिद को बचपन में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जवार रहमत में जगह अता फरमाए, बचपन में मैंने उनको हर साल पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर के उर्स पे जाके कवाली सुनते हुए देखा। लेकिन जब मैं जवानी में एंटर हो रहा था और वो अपने विसाल की तरफ थे, तो मैंने उनको लफ़ज़ ज़ैन से नमाज़ पढ़ते देखा है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, अल्लाह ने उनको इतनी ज़िंदगी नहीं दी कि मैंने उनसे सुन लेता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। फिर मैंने भी अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जो मुझे समझ में आया मैं करता रहा, ठीक है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशन है। सो सिंपलिसिटी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स मेक इट सिंपल। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये जो हम बातें करते हैं ना, फ़लाना ये है, फ़लाना वो है, फ़लाना ये है, सो आसान लफ्ज़ों में ना, कोई भी आपने चीज़ अडॉप्ट करनी है ना, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका सलूक मुनाफिकीन से, मुशरिकीन से, कुफार से कितना ज़बरदस्त था उसने सलूक, तो आप वो अडॉप्ट करें, छोड़ दें कौन क्या करता है, कौन अहले तशी है, कौन अहले सुन्नत वाल जमात है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन क्या है। लेट्स मेक इट सिंपल, जस्ट टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। यार इंसान तो सारे एक जैसे ही है ना, अब इस लम्हे अब कौन सोचेगा कौन क्या है और क्या क्या नहीं है। सो ये बेसिकली जो है वो स्टोरी है, कहाँ से बात मैं करना शुरू हुआ था और कहाँ पे मैं पहुँच गया बात करते करते। सो ये है जी, ऐसे ही है खदीजा अहमद, मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ, एक्सपेक्टेशन से बात शुरू हुई थी और बात कहाँ पहुँच गई है, ठीक है जी। और आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे वाले साहब को मैं सातवीं जमात में पढ़ता था, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं वाले साहब को शौक हुआ, मैं एक ही एक बेटा होता था उसका, तलालबाद में पैदा हुआ, कि मेरा बेटा तीसवां सपारा जो है ना इसको हिफ्ज हो जाए। सो उनको उसी मस्जिद में जहाँ वह नमाज़ पढ़ने जाते थे, वहाँ पे एक कारी साहब मिल गए। वो कारी साहब हमारे घर में आने पड़ा, यार उस बंदे ने कोई मुझे मारा है, कोई उसने मेरी मुझे मेरी दुर्गत बनाई है सूरत ना याद करने पे। अब आप देखें कुरान से कैसे मोहब्बत पैदा होती है, एक 13-14 साल के लड़के को जिसको एक मौलवी ने कुट लगाई हो, सरा समझने वाली बात है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मज़हब से मोहब्बत करें या उस किताब से मोहब्बत करें जो हम तक पहुँचाई गई है, आपको उसे स्टोरी बना के बताना है। आप कह रहे हैं जी डट्टा लगाओ, अलम नशरा लक सदरक वज़ाना इनका वज़रक, वो हमें सूरतें याद करा 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 करा, वो मौलवी ने कुट लगाई, वो मौलवी ने कुट लगाई, मैं उससे इतना बागी हो गया, वो उसके आने का वक्त होता था मैं घर से भाग जाता था। फिर अल्टीमेटली हमें वहाँ जाके सुकून मिला कि मौलवी साहब की शादी हो गई, वो शादी करके अपनी अहलिया को एक दफ़ा हमारे घर लेके आए, और उसके बाद तोहफे तहफ़ इकट्ठे किए, सलामियाँ इकट्ठी की, और फिर बाद में कभी भी तशरीफ़ ना लाए। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार एदा पहले ब्याह हो जाता तो मैं कुट मैंने कट पैनी सी। सो उसकी वजह से जो कुट लगी है, जो कुट लगी है और मुझे नहीं लगी, वो छोटी हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चियाँ आके पढ़ती थी, उनको भी मारता था वो बेगैरत। वो कभी मुझे मिल जाए दोबारा तो मैं उसको गरेबान पकड़ के ना मैंने उसको तफे लगाने, क्योंकि उस वक्त मैं कमज़ोर था और मजबूर था, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि यार ये उस्ताद है, ठीक है। तो उस वक्त कुरान पाक तो मैं पढ़ चुका था,
तो वो जो जो एक हिफ्ज़ का प्रोसेस था, जो आधा सपारा मैंने याद किया था वो मुझे याद भी नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिर की 10-15 सूरतें हैं वो मुझे याद हैं। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इतना सिस्टम जो है वो पल्यूटेड है, हर चीज़ में मतलब कोई ना कोई जो है ना मसला है। एजुकेशन को आप ले लें, वो पल्यूटेड है। ये आप जो मज़हब का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पल्यूटेड है। सो असरा हुसैन F7 की मस्जिद में आपने क्या आप टॉपिक छेड़ा, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया हूँ बात करते, मुझे क्या कहानी आपने सुनाने पर मजबूर कर दिया। तो कैसे कर लेती हैं आप ये, कहाँ से सीखा आपने? सो मैंने एक दिन किसी दोस्त से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यार मैं मैंने मक्का मुकरमा भी देखा है, मैंने मदीना मुनव्वरा भी देखा है, मैं मज़ारों पे भी गया हूँ, तो मैं जाता हूँ मज़ार पे फातिहा पढ़ता हूँ जाके। तो मुझे किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने पूछा कि भाई आप कितनी दूर हैं पाक पतन से? मैंने कहा मैं हूँ 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे। उन्होंने कहा अच्छा पाक पतन जाना। मैं कहा चलें पाक पतन, वहाँ पर क्या हो रहा है। सो मैं चला गया। तो अब मसला ये है कि मैंने एक दिन एक साहब को कह दिया वैसे ही दोस्तों में बैठे हुए कि यार मैंने ना नजफ़ देखना है। मुझे कहा नजफ़ क्यों जाना है? मैंने कहा यार मैंने हज़रत अली के रोज़े पे जाना है। उसने कहा ये किस किस्म की ख्वाहिश है? मैंने कहा यार ख्वाहिश है तो नजफ़ भी जाना है मैंने और करबला भी देखना है। उसने कहा यार तुम तो अहले तशी नहीं हो। मैं कहा यार इसका अहले तशी होने से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा भाई मुझे मन कुन तो मौला सुन सुन के बड़ा मेरा दिल करता है कि मैं नजफ़ जाऊँ और देखूँ वहाँ पे क्या होता है। और मुझे ये भी नहीं है कि मैं मुहर्रम में जाऊँ, कभी भी मैं ज़ायरीन बन के जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे शौक़ है कि मैं जाके देखूँ तो वहाँ पे क्या होता है। तो उसने मुझे आगे से ये कहा। मैंने कहा नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखें वो आप ये देखें सहाबा कराम थे, वो आपके खलीफा रहे हैं चौथे, उसके बाद हज़रत फातिमा बीबी के वो हस्बैंड रहे हैं हज़रत अली, इस तरह हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन जो हैं वो उनकी औलाद हैं, तो नबी करीम के साथ कितनी नस्बत है। तो मुझे दिल करता जाने का, मैं जाऊँगा। सो ये ख्वाहिश मेरे दिल में थी क्योंकि मैंने कहा मैंने जाना है और अगर ज़िंदगी सेहत रही और अल्लाह ने मौका दिया तो मैं जाऊँगा जब ये खुलेगा कभी ना किसी वक्त। क्योंकि मैं बहुत अरसे से मैंने सोचा कि मैंने जाना है, देख के आना है एक इराक़ में कि क्या है। तो ये ख्वाहिश है, इसका ताल्लुक़ जो है वो मेरे फ़िक्र से नहीं है, ये एक और डिफरेंट किस्म की लगन है। सो लोग जो है ना वो अजीब अजीब बातें करते हैं यहाँ पे। ये वाला जो सेशन है ना, ये वाला मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना ये मैं डिलीट करूँगा, इस पर फतवे आ जाएंगे कल मेरे पे बहुत सारे। एनीवे इरम इरमा सॉरी आई एम लेट, व्हाट्स हैपनिंग, वी आर प्लेइंग कबड्डी 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 कबड्डी। तो और क्या हो रहा है? बकवास हो रही है, और क्या होना है? अजीब सवाल है यार, किस किस्म का सवाल है? कैसे कर लेती हैं आप ऐसे हल्के और थके हुए सवाल, कहाँ से सीखी हैं आपने? अच्छा खतीजा अहमद है, माई कारी साहब अल्लाह उनको खुश रखे, आसानी अता फरमाए, ही यूज़ टू प्ले विद अस कन्विंस अस एंड ही मेड मी लर्न मैनी सूरास दुआस एंड अहादीस, यू आर ब्लेस्ड बट माई भाई हैज़ सेम एक्सपीरियंस एज योर्स। गोल्डन स्लैश का अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अपने नाम का मतलब तो बता रहे हैं, गोल्डन तो चमकीला या चमकीली हो गया, ये क्या लफ्ज़ है? स्लैट की मेरी तो अंग्रेज़ी बहुत ही नकम्मी है मेरी तालीम की तरह, ये क्या लफ्ज़ है, ये किस तरह के नाम है? कल कुकु लुशियस आ गया था, पता नहीं कौन कौन सा, ये किस किस्म का नाम आपने रखा हुआ है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेरा बेटा भी मेरा ख्याल है सुन रहा है, और वो काफ़ी देर से मैं उसकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, उसने गाने की फरमाइश की, बेटा आज तो गाने चल ही नहीं रहे और तुम इस टाइम जाग कैसे रहे हो, पहले मुझे ये तो बताओ, तुम्हें तो सो जाना चाहिए, मैंने तुम्हें अभी फ़ोन पे कहा था तुम सो जाओ और सहरी के वक्त उठना। इस दफ़ा जी मेरे बेटे माशाल्लाह मोहम्मद बिन बिलाल ने, इसकी भी एक स्टोरी है नाम की भी, तो मोहम्मद बिन बिलाल साहब जो हैं उन्होंने ये तहिया किया है, वो अभी 12 साल के नहीं हुए, कि इस साल वो पूरे रोज़े रखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो रख जाएगा इंशाल्लाह। तो जब मैंने मोहम्मद पैदा हुआ तो मोहम्मद का, ओहो जोया सुन रही है, वेयर इज़ मोहम्मद, आई थॉट माई मोहम्मद सुन रहा है, जोया हाउ आर यू माई लव, कैसी हो तुम, किधर हो? तो असरा हुसैन कह रही है बहुत मज़ेदार गुफ्तगू है।
तो मोहम्मद पैदा हुआ तो मैंने जब उसका नाम मोहम्मद बिन बिलाल रखा तो बड़े लोगों ने मुझे और मेरी बीवी को कहा कि भाई ये क्या नाम हुआ, इसके आगे भी कोई नाम लगाओ, इसके पीछे भी कोई नाम लगाओ। तो मैंने कहा यार इससे भी कोई अच्छा नाम है, मतलब क्यों लगाऊं मैं आगे और पीछे नाम, कहाँ लिखा हुआ है कि आप मोहम्मद खाली नाम नहीं रख सकते बेटे का, ये कहाँ है। तो मैंने कहा ये तो मुझे निस्बत है तो ये इसलिए मैंने नाम रखा है। तो मेरी बेगम को भी बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद था, तो हमने इसलिए रखा। तो इस पे भी लोगों ने आके मुफ्त के मशवरे, नहीं पाकिस्तान में फ्री मशवरे बहुत होते हैं, कोई भी आया तो यार है क्यों कर रहे हैं, इस तरह नहीं इस तरह कर ले, नहीं तू इंज नहीं तो इंज करता तो इंज हो जाता तो इंज हो जाता। तो इस तरह की बात है जी, आप भी सुन रहे हैं मोहम्मद, लेकिन आप दोनों जा क्यों रहे हैं, ये जो लॉकडाउन है ना इसमें आप सबकी रूटीन जो है ना वो ख़राब हो गई, ये अच्छी बात नहीं है। तो स्टॉक का मतलब है स्वीट समरीन कवाइट, ओ माय गॉड वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी डायबेटिक, वेरी वेरी शुगर इन नेचर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डायबेटिक नेम एंड एक्सप्लेनिंग द नेम एंड द 1 month द गोल्डन स्लेट की एंड पता नहीं क्या क्या, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मैं जैसे अक्सर जो है गलत प्रोनाउंस कर जाता हूँ, तो आपके नेम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, पता कैसे लगेगा, थोड़ा सा तोड़ के बताएं कि इसको कैसे करना है। मेरी वोकेबलरी अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी नहीं है, मैं जहाँ अभी भी फंसता हूँ मैं वहाँ गूगल से चेक कर लेता हूँ, लोगों ने कहा कि जी आपको इसका मतलब नहीं पता, मैं कह यार हर चीज़ का मतलब पता होना ज़रूरी थोड़ी है, ये किस लिए बने हुए हैं नए नए टूल्स सीखने के लिए, जो चीज़ समझ नहीं आती आप सीख लें। बाबा आई डू सहरी, जोया जोया आप सहरी करेंगे तो, लेकिन आप तो चिड़ी रोज़ा रखेंगी ना, आप तो छोटी हैं ना अभी, आप कैसे, तो आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे बच्चे जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो मेरे साथ क्यों नहीं बैठे हुए, तो वो ये नाना नानी के घर गए हुए हैं तो मैं इधर अपने घर पे हूँ, तो ये ज़रा आजकल पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे रिलैक्स माहौल में, ज़रा मैं वालिद सख्त, तो वालिद जो होते हैं उनको वैसी आदत होती है रोक टोक करने की, तो माएँ थोड़ी ज़रा डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए ये वालिद से दूर भागे हुए हैं दोनों मेरा ख्याल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सॉरी लिसनिंग, अच्छा था, मैं तो 5-7 मिनट ही बोलना चाहता था, ये बात निकली कहाँ से और कहाँ पहुँच गई, ऐसे ही बस ज़िंदगी के जो बहुत सारे धागे हैं ऐसे ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कौन सा धागा जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा सिरा उसका कहाँ पे जाके निकलता है। इसी तरह जब आप बग़ैर सोचे समझे बग़ैर कोई प्लान बनाए बोलना शुरू करते हैं तो फिर इस तरह धागे जो हैं वो जुड़ते जाते हैं और आप बोलते रहते हैं। सो ये है जी मामलात ज़िंदगी, और अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, फिर कल देखते हैं कि कल क्या होगा और कल के मामलात कल पे देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। आप सबका बेहद शुक्रिया, इंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, चलें थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे मजाक कर रहा था, नहीं वो इरम इरमा ने कहा था कि व्हाट्स हैपनिंग, जिसने भी व्हाट्स हैपनिंग कहा था आई वॉज जस्ट जोकिंग सो डोंट माइंड प्लीज़। ये मेरा पुराना आईडी है, क्रोएशियन वर्ड है ये स्लॉट के, ओ माई गॉड वेरी वेरी क्रोशियन, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, किस तरह के नाम रख लेते हैं आप लोग, कैसे मतलब समझ नहीं आता मुझे। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को, एक खातून ने प्रिटी जिंटा की तस्वीर लगाई थी प्रोफाइल पिक्चर पे, मुझे कहती हैं कि आप ओरिजिनल अहमद बिलाल हैं या फेक, मैंने कहा आई एम, छोड़ें क्या बताना आपको, दहा करें मिट्टी पाओ। सो ये हालात हैं और कोई नई ताज़ी नहीं है बाकी, और कल पूछेंगे मुबशर लुकमान साहब से कि उनका पहला रोज़ा कैसा रहा, तो कल उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू शुनीद करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, फ़ी अमान अल्लाह, शब बख़ैर।